वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय का नाम सभी जानते हैं और इसको सभी पहचानते भी हैं। आजकल गिलोय का प्रयोग सभी करने लगे हैं। जैसे मानसून के मौसम में बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यूनिटी को भी बहुत मजबूत रखना है और जो समय अभी चल रहा है इस समय में कफ सर्दी जुकाम से भी बचना है और इम्यूनिटी को भी बिल्कुल सही रखना है। ऐसे में गिलोय जो है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे, आप शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रहे, तो आपको गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। इसे किस तरह से लेना है, कब लेना चाहिए और गिलोय के क्या क्या फायदे होते हैं कौन कौन सी बीमारियों में, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और नए दर्शक है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें। के मौसम में सर्दी जुकाम, कफ होना, खांसी चलना, बुखार आना, शारीरिक रूप से दर्द रहना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, महिलाओं को कमर में दर्द होना, पीरियड समय पर नहीं आना, मोटापे का बढ़ जाना, वजन बिल्कुल बढ़ जाना, इन सबको नियंत्रित करने के लिए गिलोय रामबाण है। सारी बीमारियां है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहे, सर्दी जुकाम से आप बचे रहे, तो आपको जरूर गिलोय का सेवन करना चाहिए। प्रकार के वायरस से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम गिलोय का सेवन करें। गिलोय हमारे सारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को इतना पावरफुल बना देती है, पाचन क्रिया को बिल्कुल स्वस्थ रखती है। गिलोय खाने से जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, शारीरिक रूप से आप पूरी तरह से एनर्जेटिक रहते हैं, इसीलिए आपको गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। देखो गिलोय किस तरह से मजबूत बनाता है, तो यहाँ पर अगर आप रोजाना ही गिलोय गणपट्टी लेते हैं या गिलोय का जूस पीते हैं तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी। आपका किसी भी काम में थकान सा हो जाती थी तो वो नहीं होगी। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस करते थे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी को धीरे धीरे करके मजबूत बना देती है और आपके शरीर में आपको पता भी नहीं चलता है। आप सुबह से लेकर रात तक भी अगर कोई काम करते रहेंगे तो भी आपको महसूस नहीं होगा कि आप में थकान आई है। इसीलिए इस समय पर इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकता है तो वो है गिलोय। इसीलिए मानसून के मौसम में आप गिलोय का सेवन जरूर करें। अगर आप कोई बड़े व्यक्ति हैं तो एक गोली रोज शाम को सोते समय ले सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो आप उनको आधी गोली दे सकते हैं। गिलोय का सेवन आपको बीमारियों से बचाएगा, वायरस से बचाएगा और किसी भी सर्दी जुकाम के इन्फेक्शन को नहीं होने देगा, इसीलिए गिलोय गणपट्टी का सेवन जरूर करें। ये मौसम में शरीर में बहुत जगह पे दर्द महसूस होता है और बहुत सारे लोग तो आर्थराइटिस से भी परेशान रहते हैं, यानी कि उनको घुटनों संबंधी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को गठिया बीमारी हो जाती है। अगर आपको शुरुआती दौर हुआ है तो आप इस तरह से गिलोय का सेवन करेंगे तो आपके जॉइंट्स में जितना भी दर्द होता है वो नहीं होएगा, धीरे धीरे आपका दर्द भी कम होने लगेगा। मानसून का मौसम भी थोड़ा ठंडा रहता है इसीलिए आपको आर्थराइटिस समस्या ज्यादा परेशान करती है और गिलोय का सेवन अगर आप करते हैं तो आपके आर्थराइटिस में भी काफी आराम आता है, जॉइंट्स में बिल्कुल भी पेन नहीं होता। अगर आपकी फिंगर्स इस तरह से मुड़ चुकी है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है आपके शरीर में, तो वो भी पूरी हो जाती है। उनके मौसम में बहुत सारा इन्फेक्शन बढ़ जाता है जैसे कि सर्दी जुकाम कफ और बुखार, इन सबको गिलोय का सेवन करने से आप दूर कर सकते हैं। जैसे आप रोजाना ही सोते टाइम अगर गिलोय गणपट्टी का सेवन करेंगे तो आपको तुरंत सर्दी जुकाम कफ नहीं होएगा, आपको खांसी बिल्कुल नहीं चलेगी, आपकी लेने की कोई भी तकलीफ है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि गिलोय के सेवन से अस्थमा तक भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। गिलोय के सेवन से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है, चर्बी बढ़ने लगी है तो आप गिलोय का सेवन करेंगे तो आपका वजन भी बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा। मानसून के मौसम में बहुत सारा उल्टा फुल्टा खाने को आता है, तला हुआ खाने को आता है, मिर्च मसाले ज्यादा खाने में आते हैं, इसीलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आपके शरीर में मोटापा धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप गिलोय का सेवन रोज करते हैं और फिर कितना भी तला हुआ खाते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए गिलोय का सेवन आपके लिए अमृत के समान। जैसे कि एक तो इस तरह से गोली आती है और एक जूस आता है, आप चाहे तो गिलोय का जूस भी खरीद सकते हैं और इस तरह से गोली भी ले सकते हैं। होता क्या है कि दोनों का टेस्ट जो होता है वो कड़वा ही होता है। ये एक इतनी अच्छी औषधि है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, लेकिन इसका सेवन जो है उसको आपको पानी के साथ लेना है, आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं और ठंडे पानी के साथ
साथ भी ले सकते हैं। पौधा आप घर पर ही लगा सकते हैं, इसे लगाना बहुत ही आसान है, यानी कि इसके पत्ते भी उतना ही फायदा पहुंचाएंगे, इसकी जड़ें भी उतना ही फायदा पहुंचाएगी और इसका तना भी बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है। गिलोय को अगर आप किसी भी रूप में लेते हैं तो उसका फायदा ही फायदा मिलता है। लेकिन आजकल मार्केट में बनी बुनाई हुई गोलियां आ रही है, जूस आ रहा है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपके पास पौधा नहीं है घर पर लगाने को कि काढ़ा कौन बनाएगा कौन पिएगा, तो इस तरह से रेडीमेड गोलियों का सेवन भी आप कर सकते हैं। व्यक्ति को बार बार बुखार आता है, बार बार जैसे 15 दिन निकले, महीना भर निकला, फिर बुखार आ गया, तो अगर आप गिलोय का सेवन करेंगे तो आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि आपके शरीर के अंदर सारे इन्फेक्शन को बिल्कुल सही कर देगा गिलोय। गिलोय के सेवन से आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई है, आप अलग ही महसूस करने लगे हैं, आपका वजन तो बिल्कुल कम हुआ ही है, आपका डायबिटीज बिल्कुल सही हो गया है और बहुत सारी बीमारियों को वो बिल्कुल सही कर देता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति गिलोय का सेवन करेगा वो बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा। भी व्यक्ति को खून की कमी होने लगी है शरीर के अंदर, तो आप गिलोय का सेवन जरूर करिए, ये आपके शरीर में खून साफ करेगा, खून की बढ़ोतरी करेगा और अगर आपके शरीर में प्लेलेट्स कम हो गए हैं तो उनको भी वो बिल्कुल सही करेगा। हर चीज को नियंत्रित करने के लिए गिलोय बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, रोज एक गोली अगर आप शाम को खाते हैं तो आप खुद महसूस करने लग जाएंगे कि आपको कितना फायदा हो रहा है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपके पास कोई बीमारी आएगी भी नहीं, और अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, संबंधित कोई समस्या है, अगर आपको बालों से संबंधित कोई समस्या है, स्किन से संबंधित कोई समस्या है, मानसून के मौसम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रकार की समस्याएं हो जाती है, लेकिन अगर आप गिलोय का सेवन करेंगे तो आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इस समय पे अगर आपका इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा रहेगा तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, जैसे कि ना तो आपको सर्दी जुकाम होगा, ना आपको कफ होएगा, ना आपको खांसी चलेगी और ना ही आपको किसी प्रकार का गले में संक्रमण होगा। तो अगर आप रोज गिलोय का सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। मानसून का मौसम हो चाहे कोई सा और मौसम हो, आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जोर मैं इसी बात पे डाल रही हूँ कि इस समय पे अगर आपने गिलोय का सेवन किया है तो आपके पास छोटा मोटा इन्फेक्शन, छोटा मोटा वायरस बिल्कुल भी पास नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप गिलोय का सेवन रोज करें और आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ऐसे गिलोय खाने से आप बहुत सारी बीमारी से बचे रह सकते हैं और अपने इम्यूनिटी को बिल्कुल सही रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप गिलोय का सेवन जरूर करें और स्वस्थ रहे। अपने आस पड़ोस में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी के काम आ सके। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।